नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाने से अजय देवगन बहुत ज्यादा डरते हैं। और आज मैं जब ये बात बताऊंगा तो आपको सुन करके अच्छा भी लगेगा और आपकी हंसी भी छूट जाएगी। जी हाँ, स्वागत है आपका टुडेज पर। और आज मैं अजय देवगन के घर के अंदर चल रहा हूँ। घर के अंदर जो है इनके कई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। शानदार ड्राइंग रूम मिलेगा, पीछे का जो गार्डन है वो बड़ा ही मजेदार है। इनका वर्कशॉप भी है एक, जहाँ पर कि बैठ करके जो है ये सारे काम करते हैं अपने ऑफिस के। और उसके अलावा जो है इनके पास एक बहुत अच्छी जिम भी है घर के अंदर। इन सभी जगहों पर आप अक्सर अजय देवगन को देख सकते हैं, कभी आराम करते हुए, कभी एक्सरसाइज करते हुए, कभी काम करते हुए, कभी परिवार के साथ समय गुजारते हुए। लेकिन घर का एक ऐसा कोना है जहाँ पर अजय देवगन घुसने से बहुत ज्यादा डरते हैं और इस बारे में खुलासा किया है और किसी ने नहीं बल्कि काजोल ने। जी हाँ, काजोल अभी इंस्टाग्राम पर बात कर रही थी अपने फैंस के साथ और उनके फैंस ने पूछा कि भाई अजय देवगन जो है वो आखिरकार आप बताएं इस लॉकडाउन के दौरान कितनी बार घुसे हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो इस पर काजोल ने कहा कि किचन एक ऐसी जगह है जहां पर कि अजय देवगन कभी नहीं जाते हैं। बाद में उन्होंने इस बात का भी खुलासा कर दिया कि वो खुद भी किचन में बहुत कम जाती हैं और जो कुकिंग का काम है वो मोस्टली जो है इनके शेफ करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने एक चीज बताई कि मैं चाहती हूं कि अजय किचन के अंदर जाएं और कम से कम कुछ तो बना करके लेके आए मेरे लिए। तो मैं आशा करता हूं कि जल्द ही जो है अजय देवगन अपने हाथ से चाय बना करके जरूर पिलाएंगे काजोल को। आपको क्या लगता है, ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी आपसे ये विनती है कि कृपया करके चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।